वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों आई एम सुधीर कुमार। कल से मेरा कोर्स आपको अनअकैडमी पे भी आने वाला है, वहाँ पे भी आपको फ्री ही होगा। अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप मेरे को अनअकैडमी ऐप्स के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। कल से मैं वहाँ पे 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैथ के आपके क्वेश्चन को आपको शॉर्ट आउट मतलब कैसे फास्ट कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप से जाके अनअकैडमी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। कल मैं आपको कोर्स का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप मेरे को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आपको वीडियो फ्री ही होगी। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको प्रीवियस ईयर साथ ही साथ वहां पे भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो देर नहीं करते हुए अपने सेशन को शुरू करते हैं। 70 डेज कंप्लीट कोर्स सीरीज चल रही है जिसमें परसेंटेज का पार्ट 16 है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी हमारा दो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। थर्ड टॉपिक चल रहा है, ये भी आपको कल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी लाइफ में दोबारा प्रॉब्लम ना आए। डेली आपको 5 वीडियो मिलेंगी, 3 वीडियो अर्थमेटिक की और 2 वीडियो एडवांस मैथ की। इस तरह से 70 डेज के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाया पेटीएम ऐप्स, वाया तेज ऐप्स और ये है SBI अकाउंट। अगर आप जब भी आप पे आउट करें तो स्क्रीनशॉट जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें ताकि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दूँ। और टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही ज्वाइन करूँगा तो वहाँ पर आपको PDF एंड साथ ही साथ आपको 7300 प्लस बुक्स के टॉपिक वाइज जो टॉपिक्स मैं कंप्लीट करा रहा हूँ उसके डाउट सेशन भी आपको ले रहा हूँ। तो देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मान लेते हैं कि आपकी 100 रुपये की इनकम है, 100 रुपये आपकी आय है, ठीक है, 100 रुपये आपकी आय है। आपने क्या किया, टैक्स भर दिया उसमें से 20 रुपये आप क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं। तो आपका नेट इनकम, जिसको नेट इनकम बोल लो या जिसको शुद्ध इनकम बोल लो, तो बताओ 100 रुपये आय है, आपने क्या किया, इनकम आपकी 100 रुपये है, आप कमाते हो 100 रुपया, टैक्स भरते हो 20 रुपया, तो यानी आपने बचाया, रियल में आपका नेट इनकम कितना रहा, 80 रुपया। यहां तक समझ में आया? तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, टैक्स प्लस नेट इनकम, ठीक है। दूसरी चीज, फिर वही सेम चीज को मैं आपको बताता हूँ। 100 रुपया आप कमाते हो, ठीक है, आपने क्या किया, अब आपका टैक्स क्या हो गया, बढ़ गया, 5 रुपया टैक्स बढ़ गया, यानी पहले 20 रुपया देते थे टैक्स, अब कितने देने लगे, 25 रुपये। तो आप सोचो 100 रुपये में 25 रुपये आपने टैक्स देने लगे तो कितना रुपये नेट इनकम आपका, नेट इनकम कितना हुआ, 75 रुपया। लेकिन ध्यान दो, 5 रुपया आपने टैक्स बढ़ाया तो नेट इनकम कितना घटा, 5 रुपया। यानी कि टैक्स बढ़ेगा, अगर टैक्स का रेट बढ़ेगा तो नेट इनकम क्या होगा, घटेगा, सेम उतना ही घटेगा। अब देखो सेम यहाँ पे देखो, 100 रुपये आप कमा रहे हो, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, टैक्स अब 25 रुपया दे रहे थे, 10 रुपया और बढ़ा दिया, यानी कि 35 रुपया देने लगे टैक्स, तो नेट इनकम कितना, नेट इनकम कितना हो जाएगा, 65 रुपया। यानी 10 रुपये टैक्स बढ़ाए तो देखो 10 रुपया यहाँ से क्या हो गया, नेट इनकम घट गया, 75 से 65 हो गया, नेट इनकम क्या हो गया, घट गया। यानी यहाँ से एक चीज मिल गया कि अगर टैक्स बढ़ाओगे नेट इनकम घटेगा, टैक्स को रिड्यूस करोगे नेट इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक दूसरे के क्या हो गया, अपोजिट। और दूसरी चीज, और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि देखो 5 घट रहा है तो 5 बढ़ रहा है, 5 10 बढ़ रहा है तो 10 घट रहा है, तो इससे क्या कॉन्सेप्ट होगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीजेज बाई 17%, इनकम टैक्स जो टैक्स है ना वो कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 17% बढ़ा रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है द नेट इनकम विल बी रिड्यूस बाय 3%, तो नेट इनकम कितना घट रहा है, 3%। मैंने अभी बढ़ाया था, अगर टैक्स बढ़ाओगे तो नेट इनकम घटेगा। तो देखो ध्यान से देखो, बेसिक अप्रोच करते हैं सबसे पहले, बेसिक अप्रोच इसको बोल लो, शॉर्ट भी मेथड, इसके एक फार्मूला है, फार्मूला भी मैं आपको लिखवा दूंगा, मैं आपको फार्मूला को सजेस्ट नहीं करूंगा बट फिर भी आपको फार्मूला याद रख लीजिएगा। देखो टैक्स कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, 17% से, तो 17/100, जितना टैक्स इंक्रीज हुआ उतना ही नेट इनकम घटता है, यानी इक्वल होगा, आपको मैंने बता चुका हूं, नेट इनकम इनटू क्या, 3/100, नेट इनकम कितना से घट रहा है ये, और ये आपको बताया था कि इक्वल होता है, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना नेट इनकम घटेगा, बस ये चीज हो गया। 100 से 100 कैंसिल, देखो टैक्स बाई नेट इनकम कितना आ गया, 3/17,
ये आपको रिलेशन आ गया। अब मैंने आपको देखो बताया था कि इनकम क्या होता है, इनकम होता है टैक्स प्लस क्या होता है नेट इनकम। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी एक बार समझा देता हूं, अगर आयकर में 17% की वृद्धि होती है, आयकर में टैक्स में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 3% से कम होता है। यानी ये बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतना नेट इनकम घटेगा, तो टैक्स कितना परसेंट बढ़ रहा है 17/100, तो नेट इनकम कितना से घट रहा है ये, और इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना टैक्स बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम घटेगा। तो बस यहां से आपको टैक्स और नेट इनकम में रिलेशन निकल गया। टैक्स कितना है यहां पे देखो 3, नेट इनकम कितना है 17, तो इनकम कितनी हो जाएगी 17 + 3 यानी कि 20। अब आपसे क्वेश्चन क्या करा है, आयकर की दर ज्ञात करो, ये रेट ऑफ इनकम रेट निकालना है, तो रेट कितना होता है, कितना टैक्स भर रहे हो, रेट ऑफ इनकम टैक्स कह रहे हैं ना, कितना टैक्स भर रहे 3, कितने इनकम में से 20 में से, और परसेंटेज में कह रहा है तो 100, 20 × 5 = 100 यानी कितना 15% आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स है। तो ये तो रहा बेसिक अप्रोच। एक मेथड 2 भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला, रेट निकालना है ना रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो वो होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाई टैक्स प्लस नेट इनकम इनटू क्या 100। देखो इसी क्वेश्चन को, नेट इनकम कितना है, नेट इनकम आपको नेट इनकम है 3% से कमी आ रही यानी कि 3 है, टैक्स कितना लग रहा है 12, और फिर नेट इनकम कितना है 3 × 100 यानी कि 3/15 × 100 3 × 5 = 15, 5 × 20 यानी 3 × 5 = 15 यहाँ पे देखो नेट इनकम 17 है ना, यहाँ पे 17 है तो 17 × 3 = 20 हो जाएगा। मैं इरेज कर लेता हूँ इसको, देखो यहाँ पे ठीक है, तो 3/20 × क्या हो गया 100 यानी क्या हो गया 5 यानी कि 15% क्या हो गया रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो मेथड 2 यूज कर लो, मेथड 1 यूज कर लो, दोनों में उतना ही टाइम लगना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इनकम टैक्स इज रिड्यूस बाय 12%, इनकम टैक्स कितना से रिड्यूस हो रहा है 12% से। आगे नेट इनकम इंक्रीज बाय 3%, इक्वल कर दूं नेट इनकम इक्वल, जितना ये घटेगा उतना ही नेट इनकम बढ़ेगा, तो नेट इनकम इनटू क्या कितना से बढ़ रहा है 3/100, ये से ये कैंसिल हो गया यानी टैक्स डिवाइडेड बाय नेट इनकम कितना हो गया 3/12। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखो, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, अगर आयकर में 20% की कमी कर दी जाए, आयकर में 20% की कमी कर दी जाए तो शुद्ध आय 3% बढ़ जाता है, तो शुद्ध आय 3% बढ़ जाता है यानी जितना टैक्स घटेगा उतना ही नेट इनकम बढ़ेगा, तो इसलिए हमने इक्वल कर दिया, इनमें रिलेशन आ गया। आपको पता ही है कि इनकम क्या होता है, टैक्स प्लस नेट इनकम, शुद्ध नेट इनकम को बोलते हैं शुद्ध शुद्ध आय। ठीक है, तो टैक्स कितना है देखो यहां से 3, नेट इनकम कितना है 12, तो इनकम कितना हो गया 12 × 3 = 15। आपको रेट निकालना है, तो रेट कितना होता है टैक्स, कितना आप रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछ रहा है, तो कितना टैक्स पे कर रहे हैं 3, कितने में इनकम में से 15 में से इनटू क्या हो गया 100, 3 × 5 = 15 यानी क्या 20, 20% क्या हो गया इनकम टैक्स। और ये 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि परसेंटेज में कह रहा है रेट। ठीक है, मेथड 2 अप्लाई कर सकते हो, फार्मूला, फार्मूला क्या था रेट निकालने का, नेट इनकम, नेट इनकम कितना परसेंट से घट रहा है 3 से, और टैक्स, टैक्स कितना है 12, और नेट इनकम कितना है 3, यानी कि दोनों को सम कर लो, नीचे हमेशा दोनों का सम होता है, इंटू क्या 100, 3/15 इंटू क्या हो गया 100, 3 × 5 और ये कितना हो गया 20 यानी क्या हो गया 20%। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, दोनों में से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ना सारे एसएससी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय कितना 20%, इनकम टैक्स कितना से इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 20/100, नेट इनकम डिक्रीजेज बाय 3%, नेट इनकम कितना है डिक्रीज कर रहा है 3% से, तो 3/100 और ये क्या होगा, जितना टैक्स बढ़ेगा उतना नेट इनकम घटेगा, तो इसलिए हमने इक्वल कर लिया। अगर आयकर में 20% की वृद्धि की जाए, आयकर मतलब टैक्स में 20% की वृद्धि की जाए तो शुद्ध आय 3% से कम हो जाता है, तो शुद्ध आय 3% से अगर इसमें इंक्रीज होगा तो इसमें डिक्रीज होगा, और इक्वल क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको थ्योरेटिकल में बता चुका हूं। तो आयकर की दर ज्ञात करें, यहां से रिलेशन निकाल दें, ये कैंसिल हो गया, टैक्स बाय नेट इनकम कितना आ गया 3/22। अब हमको पता है इनकम क्या होता है, टैक्स
प्लस नेट इनकम, नेट इनकम मतलब शुद्ध आय, इनकम की टैक्स कितना है देखो 3, नेट इनकम कितना है 22, तो इनकम कितना हो जाएगा 25। अब देखो रेट निकालना है, तो रेट देखो ध्यान से कि टैक्स कितना दे रहे हो आप 3, कितने में से 25 में से, कितनी आय है आपकी 25 इन मल्टीप्लाई कितना रेट परसेंटेज में करें तो 100, तो कितना हो गया 12% आप क्या कर रहे हो रेट दे रहे हो, रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर कितना है 12%। मेथड 3 भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो, रेट निकालना है कितना नेट इनकम, नेट इनकम है 3 और दोनों टैक्स और इनकम का, टैक्स और नेट इनकम का सम, तो 3 + 22 × 100 यानी कितना हो गया 3/25 × क्या 100, 25 × 4 = 100 यानी कितना हो गया 12%। तो इस तरह से आप अगर एसएससी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओगे तो 4 to 7 क्वेश्चन आपको आए हुए हैं और आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये इनकम टैक्स और टैक्स से रिलेटेड आपको टॉपिक्स का जो टाइप था वो कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो से हेल्प मिलती है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय।